हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेजेस किचन। आज मैं आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाली क्विक और इजी वे से बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है सुखड़ी। आइए हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों बाउल आप देख सकते हैं सेम है, इसीलिए मैंने एक बाउल में छोटा गुड़ जो है उसको काट के ले लिया है, रेडी कर लिया है। ये है घर का देसी घी, एक बाउल लिया है, और ये आटा है जो यही बाउल्स के माप से मैंने डेढ़ बाउल लिया है। आप देख सकते हैं, मतलब ये आटा थोड़ा सा ये बाउल से ज्यादा है, बाकी सब इंग्रेडिएंट सेम है। फ्रेंड्स, मैंने गैस ये जो है उसका धीमी आंच पे शुरू कर दिया है। अब मैं ये मेरा जो है उसमें मैं घी डालूंगी। फ्रेंड्स, अभी मैं 3/4 डालूंगी, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगेगा कि कम है तो मैं उस हिसाब से डालूंगी। अब ये घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, गर्म हो गया, मैं धीरे से आटा इसमें डालूंगी। ये गेहूं का आटा है जिससे सुखड़ी बनती है। ऐसे तो ये घी इसके आटे के हिसाब से ठीक है, पर हमको गुड़ भी इसमें डालना है, इसलिए जो ये मैंने घी रखा है, बचा के रखा था, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो हमारा आटा है जो घी में मिल गया है, पर व्हाइट दिख रहा है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो हल्का सा पिंक या डार्क हो जाएगा, तो हम उसी हिसाब से अपना ये आटा रेडी करेंगे। तकरीबन हमको 10 से 12 मिनट इसको सेकना पड़ेगा। हम ये देखो फ्रेंड्स, मैंने कंटिन्यूस इसको मैं चला रही हूँ, और आप देख सकते हैं इसमें थोड़े से बबल्स आने लगे हैं, मतलब ये हमारा देखो ये एकदम हल्का हो गया। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा कलर भी उसका चेंज हो गया है। मुझे ये हिलाते हुए 10 मिनट हुए हैं, अब और 1-2 मिनट मैं चलाऊंगी थोड़ा सा कलर के लिए, क्योंकि इसमें मेन जो है इसका रोस्टिंग है। देखो आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। ये मेरा जो आटा है घी में एकदम अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसकी अच्छी खुशबू भी आने लगी है, और ये हल्का हो गया है। अब मैं ये स्टेज पर गैस बंद करूँगी, जो मैंने मीडियम स्लो पर रखा था। अब मैं इसको बंद करके थोड़ा सा हिलाऊंगी, और फिर इसमें जो मेरा जो गुड़ रखा है वो धीरे धीरे से इसमें डाल के मैं मिलाऊंगी। ये देखो ये गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है, गर्म ही है ना अपना आटा। देखो कलर भी एकदम से फटाफट चेंज हो गया, सुखड़ी का जो कलर होता है वही। इसमें गुड़ का एक भी जो है पीस नहीं आना चाहिए, नहीं तो मुंह में आएगा, इसलिए अच्छे से इसको मिला देना है, और गर्म है तो वो अच्छे से मिल भी जाएगा। ये देख सकते हैं आप मेरा ये जो देखो सुखड़ी कितनी अच्छे से मेल्ट होके हो गया है इसमें। फ्रेंड्स, ये हमारा देखो अभी गुड़ इसमें आटे में मिक्स हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं घी भी बाहर निकल गया है यहाँ से, देखिए आप इसके किनारे छोड़ दिए है घी ने, तो आप वो देख सकते हैं। अब इस ये स्टेज पे मैं यहाँ पर एक मैंने थाली ली है जिसमें मैंने घी से उसको ग्रीस कर दिया है, मैं उसमें अब इसको डाल दूंगी, इस तरह से फैला दूंगी। आप कोई भी प्लेट या थाली में इसको फैला सकते हैं, ताकि ये ठंडा अच्छे से हो जाए और हम इसके पीसीस कर पाए अच्छे से। फ्रेंड्स, मैंने इसको इवनली स्प्रेड कर दिया है, अब मैं इसके छोटे छोटे पीसीस करूंगी। पीसीस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली है ये।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने पीसेस किए थे। अब मैंने इसको मेरे सुखड़ी बनाए हुए, मुझे 15 मिनट हुए मैंने ये पीसेस यहाँ इसमें से थाली में से निकाले। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखो एकदम मुंह में घुल जाने वाली है और मुंह में पानी आ जाए वैसी है। तो फ्रेंड्स है ना अच्छी। तो फ्रेंड्स देखा ना कितनी यमी बनी है सुखड़ी। तो इसी तरह की रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।